प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के पहले चरण की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत राजकोट, जामनगर और मोरबी में 10 बांधों और जलाशयों को नर्मदा नदी के पानी से भरा जाएगा। इस परियोजना पर 12,000 करोड़ की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोनी सिंचाई योजना पर हर गुजराती को गर्व होगा। साल 2019 तक 5 करोड़ गैस कनेक्शन मुहैया कराने की योजना है। जामनगर में सोनी सिंचाई योजना की शुरुआत के मौके पर पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वालों में 45% दलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सतर्कता की वजह से आज जामनगर में एक बड़ा हादसा टल गया। प्रधानमंत्री ने स्वानी वाटर प्रोजेक्ट उद्घाटन के बाद डैम के डाउनस्ट्रीम में खड़े दूरदर्शन के कैमरामैन सहित कई कैमरा पर्सन को अलर्ट किया और तुरंत वहां से हटने को कहा, जो कि अपनी ओर तेज रफ्तार से बढ़ते डैम के पानी से अनजान थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद पर दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पठानकोट और मुंबई के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी। आतंक के दोहरे मापदंड पर जॉन कैरी ने सुषमा स्वराज की बात का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकवाद होता है चाहे कहीं भी हो। साथ ही जॉन कैरी ने ज्वाइंट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर भारत को अमेरिका का समर्थन देने की बात कही। भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ सैन्य लॉजिस्टिक आदान प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा गया है कि समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की जमीन, हवाई और नौसैनिक अड्डे के विकास, मरम्मत और अन्य गतिविधियां साझा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्मचारियों पर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 साल से लंबित बोनस मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सभी अकुशल कामगारों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। कश्मीर में तनाव के लिए सीमा पार की ताकतों को जिम्मेदार ठहराते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, घाटी में कुछ प्रतिशत लोगों ने अधिकतर लोगों को बंधक बना रखा है। पर्रिकर ने कहा कि भारत सरकार सीमा पार से आने वाली हिंसा से निपटने के लिए बेहद सक्रिय है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर को कश्मीर का दौरा करेगा। इस बीच पुलवामा और श्रीनगर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरी घाटी से कर्फ्यू हटाया गया है। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति बढ़ गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छ सर्वेक्षणों की समीक्षा बैठक की। स्वच्छता मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से शहरी विकास मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के बीच आज सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली पुलिस ने एक दंपत्ति समेत 8 लोगों को मानव तस्करी के लिए गिरफ्तार किया है। उन पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी रविंदर यादव ने बताया कि तस्करी कर लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेलने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व की सरकार द्वारा शुरू किए गए सिंचाई परियोजना के 95 प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से संकलित साल 2015 के अपराध के आंकड़ों को जारी किया। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के दर्ज मामले साल 2015 में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हुए दर्ज अपराधों के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 440 अंकों की तेजी के साथ 23,343 पर और निफ्टी 136 अंकों की तेजी के साथ 8,744 पर बंद हुआ। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक स्थित चीनी दूतावास में आज सुबह तेज धमाका हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायल होने वाले सभी किर्गिस्तानी नागरिक हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त का पदक अब रजत पदक में तब्दील होगा। लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले रूस के बेसिक कुदुखोव का मरणोपरांत डोप टेस्ट पॉजिटिव निकलने के चलते ये बदलाव होगा।